रंग बले बलतारी, महारुद्र के महा अवतारी, अंजनी माँ के तुम हो दुलारे। कांधे मूंज जनेयू साजे, हाथन में है गदा विराज, तन पे लाल लंगोटा धारे। वज्र देह अर तन है विशाला, बलि बजरंगी हनुमत बाला, है प्रसिद्ध इनकी गाथाएं। काल नेम की कथा सुनाओ, कैसे मारा ये बतलाओ, रामायण की गाथा प्यारी। राम चरण का ध्यान धरो, लो बजरंग का नाम, गाथा प्रारंभ करता हूँ करके राम गुण का। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। लंका पहुंची राम की सेना, युद्ध तैयारी करती सेना, लक्ष्मण मेघनाथ दो योद्धा। धरती अंबर दसों दिशाएं, दोनों का बल देखते जाएं, दोनों एक दूजे पर भारी। तीर चले चलती है बरछी, मेघनाथ बड़ा चली और कपटी, माया युद्ध वो करता जाए। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, भूमि गिरे श्री राम के भाई, भारी मूर्छा उन पर छाई। प्रभु राम ने गोद में लीने लखन उठाए, कैसी घड़ी ये जीवन में प्रभु राम के आए। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। विभीषण जी फिर सन्मुख आए, वैद्य को लाओ वही बताए, हनुमत जल्दी से तुम जाओ। हनुमान जी वैद्य को लाए, वैद्य जी नाड़ी देख बताए, दूर हिमालय जाना होगा। वास पहले काम ये करना, लक्ष्मण नहीं बचेंगे वरना, दूर हिमालय कौन जाएगा। हनुमान जी सन्मुख आए, राम चरण में शीश नवाए, बूटी लेकर मैं आऊंगा। देर करो ना अब जल्दी जाओ तुम हनुमान, अब से तुम्हारे हाथों में तेरे राम के प्राण। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। रावण दल में खुशियां भारी, लखन मरण की थी तैयारी, सुबह लक्ष्मण मर जाएगा। तभी दूत ने आ बतलाया, हनुमान के विष समझाया, बूटी लाने वो जाते हैं। काल नेम को फिर बुलवाया, और उसे सब कुछ समझाया, रूप बदल मारग में जाना। हनुमत लक्ष्मण मर जाएंगे, आधा युद्ध हम जीत जाएंगे, राम पे विजय मैं पाऊंगा।
कर राम का नाम। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। हनुमान जी उड़कर आते, राम नाम सुनकर रुक जाते। काल ने मिसाधु बन आया, राम के नाम बताया। काल ने मिके सन्मुख आए, साधु देखा शीश नवाए। आओ हनुमत यहाँ पे बैठो, हनुमान जी थे चकराए। ये सब जानता अचरज पाए, राक्षस कहे हम अंतर्यामी। जाओ पहले स्नान कर आओ, फिर थोड़ा सा भोजन पाओ। मैं यही बूटी मंगवा दूंगा, उसने छोड़ा था ग्राह एक विशाल। सोचा ग्राह बन जाएगा हनुमान का काल। बोलो जय जय श्री हनुमान, बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बातों में आए राम नाम सोचा ये गाए, फिर तो सच्चा भगत ये होगा। आज हमारा ये कर देगा, जो ही ताल में स्नान को जाए, ग्राह उन्हें खाने को आए। मुख के बीच से चीर था डाला, ग्राह से एक अप्सरा निकली। काल ने मिका सत्य बताई, चरणन में फिर शीश नवाया। हनुमत सारा सच थे जाने, चल दी असुर को मजा चखाने। स्नान ध्यान करके सब आए, जीवित देखा हनुमत को, असुर चौंक ही जाए। कैसे बच गया ग्राह से सोचन वो लग जा। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। से भरे फल इसको दूंगा, जहर खिला इसे मार ही दूंगा। आओ हनुमत भोजन पाओ, पाना कानी असुर था करता, मरता वो बेचारा क्या करता। लगे हाथ और पैर कांपने, हनुमत ने फिर पूंछ लपेटा और उठा भूमि पर पटका। मार गदा थे प्राण निकाले, राक्षस ने प्रभु नाम थगाया, इसीलिए मुक्ति फल पाया। काल ने मिको मार गिराया, उड़कर हनुमत पहुंच गए दूर हिमालय धाम। राम काज की ने बिनु मोहि कहां विश्राम। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। बूटी हनुमत समझ न पाए, सारा पर्वत लिए उठाए। संजीवन बूटी ले आए, वैद्यराज ने घोल बनाया, लक्ष्मण जी को था पिलवाया। बूटी पीकर लखन जी जागे, प्रभु राम के लागे। राम ने हनुमत कर
गले लगाए, भाई भरत के सम बतलाए, तू है मेरा भगत निराला। चंदन तिलक ने महिमा गाई, ते हनुमान जी रहना सहाय, भक्तों पे कृपा बरसाना। लाल देह लाली लसे हर उधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। बोलो राम जय श्री राम, बोलो जय जय श्री हनुमान। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुब
बेर दिक्पाल जहां ते कवि को विद कही सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राज पद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु बैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अस्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरही हनुमत से सर्व सुख करही संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छ
छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडे। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भू। Oh,
हनुमान की भक्तों कथा सुनाती है, पावन कथा सुनाती है। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम पंचमुखी हनुमान की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। श्री राम के सच्चे सेवक है भक्तों हनुमान, आठ सिद्धियां जिनके पास है सुग्रीव देख उनको घबराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। वेश बनाकर तुम ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके पास जाओ, क्या बाली के दूत है दोनों पता लगा कर आओ। हनुमान ने फिर तो अपना ब्राह्मण वेश बनाया, राम लखन दोनों भाई है सच का पता लगाया। श्री राम सुग्रीव मित्रता वही कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। कर देती है
पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। सोयोजन का सागर लांघ दिया जब की प्रभु राम, अशोक वाटिका पहुंची है राम दूत हनुमान। श्री राम की मुद्रा का साथ मिलकर जो आए, माँ सीता के सामने उसको हनुमान है गिराए। देख मुद्रा का श्री राम की माता हर शान, रावण की कोई चाल है ये सोच के घबराए। आकर के माता सीता को शीश झुकाती है, पावन कथा सुनाती है। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। सबको ही भगाती है, पावन कथा सुनाती है। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। किंतु युद्ध में वो मार गिराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का।
जीवित पकड़ के लाओ। मेघनाथ फिर बड़ा ही क्रोधित होकर के आया, किंतु युद्ध में हनुमान को हरा नहीं पाया। ब्रह्मपाश फिर हनुमान पर उसने छोड़ दिया। ब्रह्मपाश में हनुमान ने खुद को बांध लिया। ब्रह्मा जी का मान यहाँ हनुमान बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। हनुमत तनिक न घबराए, मृत्यु दंड जो रावण उनको देना चाहा है। युद्ध नीति के विरुद्ध विभीषण ने बदलाया है, रावण ने फिर उनके लिए है ऐसी सजा सुनाई। हनुमान की पूछ में तो आग है लगवाई, तो भक्तों ना जल पाई है। घूम घूम कर उन्होंने सारी लंका जलाई है, फिर सागर में जाकर अपनी पूछ बुझाती है, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। माँ सीता के पास में फिर से हनुमान पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। समझाया, पर रावण ने उनको
पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। लखन सोए हुए उसको मिल जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। सुनाते हैं ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। विभीषण ने हनुमान जलाई और उन्हीं पांचों दीपों में उसके प्राण समाई, पांचों ही दीपों को जो एक साथ बुझाएगा अहिरावण का वध भी वही योद्धा कर पाएगा। हनुमान ने अहिरावण का भेद है जान लिया, राजस्थान पाताल लोक को मकर ध्वज थी पहरे पर हनुमान जो आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का।
शक्ति भीतर हनुमान ने पहले तो उन्हें बड़ा ही समझाया। रामा ने तो हनुमान ने अपना बल आजमाया। मकर ध्वज और हनुमान में भारी युद्ध हुआ, किंतु उन दोनों में सेना कोई भी जीत सका। मकर ध्वज खुद को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। उसकी कोई संतान बोले मकर ध्वज लंका जला कर जब वो आए, सागर तट पर आकर अपनी पूछ बुझाए थे। हनुमान के पसीने की सागर में बूंद गिरी, उसी बूंद को सागर की एक मछली निगल गई। उसी बूंद से उत्पन्न हुआ राज बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। पांचों बुझ जाती है, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। फिर तो हनुमान ने बनाया, अहिराम
की छुपी हुई हनुमान वो जाने न पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। हनुमान ने पंचमुखी का फिर अवतार लिया, पांचों दीपों को है साथ में बुझा दिया। रावण ने अपनी सारी शक्ति गंवाई है, फिर हनुमान के हाथों की मृत्यु आई है। रावण का वध करने को पंचमुखी रूप बनाया, एक साथ में ताकि पांचों दीपों को जाए बुझाया। राम लखन को है फिर अपनी कंधे पर बिठाए, पाताल लोक से राम लखन को लेकर के आए। ऐसी सेवक श्री राम की माने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार, ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों का संहार। पंचमुखी अवतार में हनुमत कैसे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये पंचमुखी अवतार कर दुष्टों